संविधान का विषय भी समझ के आ गया है और काफ़ी लंबा योगदान जिसकी वजह से शायद आज हम यहाँ पर खड़े हैं, उसकी भी अपनी भावनाओं के साथ साथ सारी बातें सुनने के बाद क्या बोले समझ में नहीं आ रहा, पर बोलना तो पड़ेगा, बोलना ही मेरा काम है। मुश्किल वक्त है अभी का, मगर इस मुश्किल वक्त में भी हमें लगता है कि हम लोग जैसे लोग आप सभी को देख रहे हैं, डेस्क में बैठे हुए और यहाँ बैठे हुए सभी को देख रहे हैं, आप ही लोगों की योगदान है ये जो आज हम लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, हम लोगों में इतना हिम्मत आया है। हम जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई और वैसे भी हमें लगता है कि मेरी नियुक्ति ही सब चीज की सम्मिश्रण है, और जब आंदोलन का शुरुआत हुआ तो काफ़ी बहस हुआ, हमें अनुगमन करना है या नहीं करना है, हमें लगता है संवैधानिक मैंडेट ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अनुगमन करना है, अनुसंधान करना है, समस्याओं को उजागर करना है और नेपाल सरकार को बताना है कि ये है समस्या, बैठ के राज्य की दायित्व, राज्य का टैक्स लेके जिम्मेवारी पे बैठ के जिम्मेवारी से मुँह फेरना आपका काम नहीं है। पर हम लोगों ने क्या पाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुँह फेरने का काम पाया। अभी सभी लोगों ने जितने भी वक्ता रहे सभी ने क्या बताया कि प्रदेश की समस्या क्या है, क्यों मानवाधिकार हमेशा चैलेंज रहा है, मानवाधिकार हमेशा क्यों चुनौती पे रह रहा है, उसकी समस्या है ना, जड़ है ना उसका, तो जड़ को कभी पकड़ा ही नहीं गया, अपनत्व की जड़ थी, अपनत्व में अपनत्व की जो है कमी थी, कमजोरी थी, कभी अपना समझा ही नहीं, तो समस्या वहाँ थी और समस्या कहाँ दिखा दिया, ये तो बस लेने देने की बात है, लेने देने की बात है तो आप टेबल पे बैठ कर लीजिए ना, आपने सम्मान तो लेने देने की बात नहीं होती है ना, पैदाइशी होती है, जब मानवाधिकार वही है, लोग कहते हैं कि नहीं मानवाधिकार 1948 में लिख दिया गया था, वही है मानवाधिकार, हमें लगता है जब जब इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी वो तो संगठित कर दिया गया था कि लोग दस्तावेज में पढ़ सके क्या है मानवाधिकार, मगर जब हमें लगता है इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तभी मानव की कल्पना की गई थी और मानव जो है उसी के साथ साथ अपना सम्मान अपना अधिकार लेके पैदा हुआ था, खाने का अधिकार लेके पैदा हुआ था, पहनने का अधिकार लेके पैदा हुआ था, सेंटर का अधिकार लेके पैदा हुआ था, मगर ये थे जब 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 सब चीज धीरे धीरे विस्तार होते गया तो दस्तावेज भी आएगा ना, क्योंकि समाज तो विकासशील है, विकास होता रहता है, तो उसमें क्या देखेंगे हम पीछे मुड़ के, उन चीज़ों पे इसका आधार स्तंभ रखा गया था, और हमें लगता है राज्य की परिकल्पना भी मानवाधिकार और लोकतंत्र की ही होती है। हम आप लोगों की तरह विद्वान तो नहीं है, मगर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की तरह बनने का, चीजें हम जो भी देखते हैं वो सब आज तक चैलेंजिंग है, सब कह रहे हैं हमारी हमें हमारी बोली में अगर हमें मिठास नहीं मिलेगा तो हमें लगेगा हमारे आत्मसम्मान को छू पाड़ा, तो जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई हम लोगों ने अपना अनुगमन शुरू किया, एकदम नजदीक से अनुगमन शुरू किया तो सबको तिल मिलाहट हो उठी, अब मानव अधिकार आयोग जब जाएगा तो मानव अधिकार आयोग जो देखेगा वो बोलेगा हमें राज्य का से भी कुछ लेना देना नहीं है, हमें आंदोलन और पार्टी से भी कुछ लेना देना नहीं, जनता के अधिकार से लेना है, जिसके नाम पे हमने शपथ खाई है, जिसके नाम पे हमने प्रतिबद्धता जनाई है, जिसके नाम पे हमको भेजा गया उनसे हमारा लेना है, तो हमें कह दिया गया कि तुम तो अब ये अनुगमन करके राज्य को गलत ठहराओगे, अब गलत हो तो गलत गलती अपनी स्वीकारिए, अगर आपने गलती की है तो अपनी गलती का सुधार कीजिए, तो हमें क्या मिला कि नीचे तक जब हम लोगों ने एक एक बच्चे बच्चे से बात किया कि बच्चा क्या कहता है, हमको तो हमारे साथ तो ऐसा बोला जा रहा है, वो बच्चा सुन के क्या क्या रिएक्ट करेगा, तो हमें कहा गया कि बच्चे आंदोलन में है, बच्चों का आंदोलन में जाना गलत है, वो हम भी कर रहे हैं, बच्चे आंदोलन में नहीं जाते, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे शिक्षा दीक्षा हासिल करते हैं, मगर बच्चों के आत्मसम्मान में जब
अधिकार आयोग के लिए भी कानून है। हम लोग कहते हैं ये गलत है, आप लोग मत ले जाइए बच्चों, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, वो लोग देखते रह गए, उन्हें क्या पता कहाँ गोली चल रही है, कहाँ बाबू चल छूट रहा है, वो पड़ जाएंगे। तो इसीलिए भी बच्चों को आंदोलन में नहीं ले जाना चाहिए। इन सभी बातों को जब हम लोगों ने एक चरण है, जब आप लोगों ने इन सभी बातों को ना के या फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अभी स्वर्गीय सुशील चौहान जी के साथ हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने कहा, क्योंकि ये पीरियड तब था जब संविधान का मसौदा जारी, ये पीरियड उस वक्त का पीरियड है, संविधान का मसौदा जारी हुआ था, उनसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने अपना सारा जो हम लोगों ने 15-20 दिन में हम लोगों ने देखा था, झापा से लेके कैलानी तक, ऊपर इलाम से लेके तापलेजुंग तक जो हमने देखा था, खोखरा बाग फैक्ट्री जहाँ जहाँ हम लोगों ने देखा था असंतुष्टियाँ, हमने उनसे बताई ये हल असंतुष्टियाँ बैठ गई थी, आपने कहा था इसको व्यापक रूप से छलफल किया जाएगा, अपनत्व इसका बनाया जाएगा, कहाँ आपने अपनत्व बनाया, क्यों आप ये कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी का अवस्था ऐसा है, भूकंप हो गया उसके बाद ये काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, तो हम लोग इसको आप लोग जैसा सुझाव देंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो विडम्बना क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहना पड़ेगा, आप लोग का भी साथ चाहिए और कहना भी जरूरी है, जो भी कुछ सुझाव देता है, जो भी कुछ सलाह देता है उसको नजरअंदाज किया जाता है। 64 का प्रदेश आंदोलन ले लीजिए, उससे पहले का जो भी 10 साल का जो द्वंद था वो ले लीजिए, ये सब में समग्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुझाव दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सुझाव क्या हुआ कि आंशिक रूप से उसका कार्यान्वयन होता है, क्षतिपूर्ति में चला जाता है, उसके बाद और छोटा मोटा कुछ होता है तो उसको तत्काल कर दिया जाता है, मगर कानूनी जो उदासीनता है वो आज भी बनी है। तो ये 4-5 महीने का जो हम लोगों ने अनुगमन किया था, उस 4-5 महीने में सबसे बड़ा जो चुनौती सामने आया, हम लोगों ने जो सुझाव हम लोगों को मिला वो ये था कि हम लोगों से किया हुआ आज तक कोई भी समझौता खारिज नहीं हुआ। ये है निराशा, ये है अपना दुख, यहाँ पे आदमी अपना आत्मसम्मान मिल रहा है, यहाँ पे हर इंसान अपना आत्मसम्मान मिल रहा है। तो एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझाव में ये था कि आज तक का जो भी समझौता किया गया उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, उसकी निराशाएं आज सड़क पे दिख रही है, उसकी निराशाएं आज बच्चों के मन में दिख रही है। तो ये थी समस्या। सो उसके बाद जो हमारा मैंडेट है हम करेंगे, हमारा मैंडेट है, हमको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है, अंतरिम संविधान में हुआ था, इसका गठन 16 साल का एक वक्त इसने पार किया है, और 16 साल का ये वक्त हमें नहीं लगता है छोटा वक्त होगा, एक बच्चा जो पैदा होके पारी हो चुका है, 16 साल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसमें पार किया, मगर मानवाधिकार की अवस्था और इसकी सुदृढ़ीकरण की अगर हम बात करें तो अभी भी हम खुद हम उदास होकर उसको स्वीकारना पड़ता है कि नहीं है, क्यों वहाँ पे ये चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं, क्यों बार बार हम विधि की शासन की बात करते हैं, बार बार हम कानूनी राज की बातें करते हैं, बार बार हम लोग मानवाधिकार और लोकतंत्र संरक्षण की बातें करते हैं, यही सारी चीज़ें लेने देने का जो है आधार बन जाता है, इसी के न्यास पे जो है लेना देना चल रहा है। सो ये रहा अभी का जो चुनौती है, वो चुनौती की बात कर रहे हैं। हमने संविधान सभा से जो संविधान जारी हुआ, जो मसौदा संविधान था, उसके इस वक्त की बातें थोड़ी आपसे शेयर की। उस वक्त हर आदमी को अपनी बात रखने का संविधान सभा ने ऐलान किया था, सूचना जारी किया था, हर आदमी अपनी बात रख पाएगा, उसकी बात कहाँ जाके नहीं हो, हर आदमी अपना अधिकार बोल रहा है संविधान में, हर आदमी चाहता है, कहा गया है क्योंकि संविधान सभा की हमें लगता है विद्युत वर्ग यहाँ पे संविधान सभा की परिकल्पना हर बच्चा जो 1% या हर इंसान के लिए 1% की जो भी जनसंख्या है उसकी भी बात इसमें दर्ज होगी, ये कहा गया था, मगर 1% की बात नहीं, बहुमत की बात से हुई, जो अभी पूर्व वक्ता कहाँ रह गया माइनॉरिटी की राइट की बात, कहाँ रह गया मेजोरिटी वुमेन है, मेजोरिटी वुमेन की बात कहाँ रह गई, कहते हैं सेंसस कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, 54.4% सेंसस कह रहा है ये कि महिलाएं इतनी हैं, तो
क्या किया, पुरुष का ब्लड प्योर होता है, महिलाओं का ब्लड इम्प्योर होता है। पुरुष के नाम से वंश आगे बढ़ेगा, महिलाओं के नाम से कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। महिला तो सिर्फ महिला है, सारथी है, तो सारथी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अगर सारथी ही नहीं होगा तो रथ कहाँ से चलेगा। नेपाल जो है नौ बड़ी संधियों का पक्ष राष्ट्र है, ये पीछे नहीं मुड़ सकता है, कोई संभावना नहीं है। चाहे जितना मेजोरिटी की धाक लगा लीजिए, चाहे जितना आप जो है चाहे जिस चीज की धाक लगा लीजिए, पीछे आप नहीं मुड़ सकते। नौ बड़ी संधियों के आप पक्ष राष्ट्र है, नागरिक राजनीतिक अनुबंध के आप पक्ष राष्ट्र है, आप पीछे नहीं मुड़ सकते। आपका रास्ता बंद है पीछे चलने का, आपको आगे बढ़ना है। अगर वाकई में आप प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील अपने आप को कहलवाना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना है। तो उसकी परिकल्पना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुगमन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। यहाँ पे किस तरह से उसको अप्लाई हो रहा है, किस तरह से लागू हो रहा है, किस तरह से लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, उसी के दौरान 2006 में UPR की परिकल्पना की गई, यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू करके इसका जो है परिकल्पना किया गया 2006 में। ये एक लिखा नहीं चले संयंत्र है इसको, ये कुछ नहीं, ये विविध ये कई सारी जो थीम है उसके अंदर इसका जो है रिव्यू वगैरह जाएगा, इसका चुनौती वगैरह बताई जाएगी। बस इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार संयोजन कर देगा, इसकी कार्यान्वयन की अवस्था क्या है वो देख लेगा, अनुगमन करेगा और अपना प्रतिवेदन सार्वजनिक करेगा। हमें बहस नहीं करना है इस विषय पर, हमें जो दिखेगा हम कहेंगे, बहस नहीं करना है। और अब करिए आप बातें हैं इसको करने के लिए, राज्य की रहेंगे क्योंकि राज्य का दायित्व है, राज्य दायित्व से नहीं निकल सकता। तो UBR का विषय जो है हमेशा जो है चुनौती रहा है नेपाल के लिए, बहुत दिखाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रेस है। दक्षिण एशिया में अगर आप ढूंढेंगे तो इसकी कार्य योजनाएं बहुत जल्दी आ जाती है, नेपाल में कार्य योजनाएं बहुत जल्दी, बाल अधिकार की कार्य योजना है हमारे पास, मानव अधिकार की कार्य योजना है, मगर अगर कार्यान्वयन अगर हम इसको ढूंढेंगे तो बहुत ही निराशा की बात है, कार्यान्वयन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। खाद्य संप्रभुता की बात कर रहे हैं, संविधान में लिखा है प्रणाली में लोग चावल न पाके भूखे मर रहे हैं। आप उद्घाटन करने के लिए जहाज चढ़ के चले जाते हैं, आप चावल यहाँ से लेकर नहीं कर सकते। लोग कम्बल न पाके जो है जाड़े से ठिठुरते हैं, आप उनका कम्बल नहीं लिफ्ट कर सकते। तो ये है राज्य की छवि। तो हम लोगों का कहना है अगर कर्णाली में भूखमरी है तो आप चावल ले जाके पहुंचाएंगे ना तुरंत? आपने तो खाद्य संप्रभुता लिख दिया है संविधान में, आपने लिखा है कि कोई भूखा नहीं मरेगा, मगर क्या लिख दिया है 3 साल के बाद कानून बना के पहुंचाएंगे, तब तक 3 साल तक आप भूखे मरेंगे। तो ये है फंडामेंटल राइट्स में जो बातें लिखी गई हैं। फंडामेंटल राइट इंतजार नहीं करेगा 3 साल तक, वो तो पैदाइशी है, वो तो संविधान जिस दिन से जारी है तब उसी दिन से लागू हो जाता है। तो लिख दिया गया है 3 साल के बाद कानून बनाने के बाद वो कार्रवाई होगा। तो ये है कमियां। हमारे अध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीश है, वो कहते हैं कि पहला संविधान हमने देखा है जो 3 साल का लिमिटेशन रख रहा है कानून बना के लागू करेंगे, वो भी कानून के ज्ञापन ही है। उन्होंने 3 साल को अलग किया इसी क्षेत्र, उसके बाद प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने जब इस बात को कहा कि ये कैसा है, सब चीज़ एक ही में रख लिया गया है, ये कैसे कार्यान्वयन होगा, इसकी अपनी ही चुनौतियाँ हैं। देखिए अभी हम लोगों के सामने आ रही है वो चुनौतियाँ आगे आ रही हैं। उसके बाद ये दूसरी बात हम करना चाहेंगे, बहुत सारा संविधान की बातें बहुत सारी आधी चुकी हैं, और जिस तरह से मानव अधिकार हमारे लिए चुनौती रहा है, हमको दुख भी लगता है, और हमें लगता है यहाँ उपस्थित सभी से एक अनुरोध और आग्रह भी करना चाहते हैं। सब दिखाते हैं मदेश या तराई में ये समस्या, हम कुछ नहीं करते हैं, हमको भी दिखाते हैं बार बार। तो वो क्या समस्या सिर्फ हमारी ही कानून की समस्या नहीं है, राज्य की समस्या नहीं है, क्यों सब बार बार उस मदेश की समस्या को जिम्मेदार वहाँ के लोगों को ठहराया जा रहा है? लोग तो उसके साथ साथ चलेंगे, आप कानून बनाइए, आप संविधान में लिखिए,
महिला हिंसा वर्जित है, संविधान में लिख चुका है। उसके बाद आप कानून बनाइए, कानून जो कार्यान्वयन नहीं करता उसके ऊपर आप दोनों तरफ से आप कार्रवाई कर सकते हैं। कानून की व्यापक जानकारी भी दीजिए, उसके बाद अगर कोई कानून का पालन नहीं करता उसके पास आप उसको कानून का दंड कर सकते हैं, सजाएं दे सकते हैं। मगर हमेशा मदेशी जनता, मुस्लिम जनता, दलित जनता खुद मानसिकता से बीमार है, ऐसे थे खुद वो मानसिक रूप से ग्रसित है, बाल विवाह का कानून लाइए ना, दहेज देता लेता है, लाइए आप दहेज का कानून, बुक्सी किला में जला देता है, वादे से कहते हैं कानून हमारे पास, कार्रवाई कीजिए आप। मगर दोष कहाँ दिया जा रहा है जो कभी स्कूल नहीं गया, जिन्होंने कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा है, दोष उनको दिया जा रहा है, तुम इसके भागी हो, तुम इसके जो है भागीदार बन गए, तुम गलत हो। जहाँ खामियां हैं, जहाँ कमजोरियां हैं, वहाँ दोष नहीं होगा। जो वहाँ पर रह रहा है, जिसने राज्य की कभी अनुभूति नहीं की, राज्य की कभी कभी करीब से राज्य को महसूस नहीं किया, उसको दोष दिया जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मानवाधिकार और संविधान या लोकतंत्र या राज्य का अपना जो दायित्व है, ये सब इर्द गिर्द घूमता है, इसके चारों तरफ घूमता है। अगर जरा सा भी राज्य छूटता है तो वो राज्य, क्योंकि राज्य का दायित्व है मानव अधिकार। जब तक एक मजे की बात क्या है, ये भी हम सावधानी करके एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि जब राजनीति सत्ता में होती है तब उसको मानव अधिकार की बहुत याद आता है, क्योंकि वो भाषण में बहुत अच्छे से कहता है और जब सत्ता से बाहर जाता है तो उसको 200 गुना मानव अधिकार की याद आती है। तो तालमेल यही पे है। राज्य कहता है कि जो सत्ता से बाहर है वो मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, तो मानव अधिकार का रक्षक, तो अगर रक्षक हो तो 5 महीने का शांतिपूर्ण आंदोलन में 57 लोग कैसे मर गए। आप मॉब कंट्रोल करने का, भीड़ नियंत्रण करने का बहुत सारा उपाय है जो पिछले कई आंदोलन में अपनाया गया है। मदेश आंदोलन में क्यों नहीं अपनाया गया वो उपाय? समस्या कहाँ है? समस्या आपकी मानसिकता में है, समस्या आपके व्यवहार में है, समस्या आपकी जिम्मेवारी पर है। अंत में ये सभी बात बोलने के बाद यहाँ ऊपर से सभी से जो है, अगर संविधान कार्यान्वयन की बात हम कर रहे हैं तो सामने संविधान कार्यान्वयन भी साथ साथ होना चाहिए और जो समस्या है उस समस्या के समाधान भी साथ साथ होना चाहिए। वार्ता है इसका उपाय, संवाद है इसका उपाय, उसको भी अपनाना चाहिए मुझे लगता है। और राज्य को भी सम्मान, राजनीतिक दल जितने भी आंदोलन में है उनको वार्ता में बुला के उसका वार्ता से, क्योंकि वार्ता ही इसका अंतिम उपाय है, सड़क नहीं है इसका उपाय। सड़क शुरुआत कर देता है, बैठना तो टेबल ही पे पड़ेगा क्या है, मगर हमेशा हम लोग का प्रतिवेदन में भी है ये चीज, हमेशा क्या होता है कि बोली से बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमारा जो भी 5-6 महीने का अनुगमन रहा उसमें एक जो है ये बात बहुत ठोस रूप से आई है। बच्चे ने भी कहा है, बुजुर्ग ने भी कहा है, महिला ने भी कहा है, जो बोली केंद्रीय नेता लोग बोलते हैं हमें बहुत छोट पहुँचा चाहिए, तो अपनी बोली में सुधार लिया, ये हम लोगों ने लिख लिया है। केंद्रीय नेता ने जो बोलता, जो भी केंद्रीय नेता बोलते हैं उनकी बोली से आत्मसम्मान में बहुत छोट पड़ता है, ये मत कीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चे के मन में ये बैठ जाएगा तो बहुत साल जाएगा। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है अभी के ज़माने में, नेपाल में भी उसी तरह से एक्टिव है, ये सब चीज़ें जा रही है सोशल मीडिया में और हर बच्चा देख रहा है, छोटे से छोटा बच्चा देख रहा है, ट्विटर सोशल मीडिया पेजेस भी देख रहा है, ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह भी छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल पढ़ने लगा है, जो पढ़ता है जिसको इच्छा है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को एक संयमित उसमें रहना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है। अंत में कुछ लोगों का मानना है, खास करके अब हम खुल के भी नहीं कहेंगे, कुछ लोगों का मानना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से एक तरफा बात करता है, हमें नहीं लगता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रतिवेदन एक तरफा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रतिवेदन तो राज्य को जिम्मेवार बनाने के लिए और राज्य के नागरिक को भी जिम्मेवार बनाने के लिए है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में साफ साफ लिखा है, हर वक्त का प्रतिवेदन आप उठा के अगर देखेंगे, 16 साल के प्रतिवेदन को अगर आप एक एक करके आप देखेंगे तो हर प्रति
रूप से उल्लेख किया गया है, उसी तरह अभी के आंदोलन में भी जो भी हुई है, आप इमेजिन कर सकते हैं, नेपाल की पुलिस को संरचनागत सुधार करना चाहिए। 64 के आंदोलन में, 62-63 के आंदोलन में सब में कहा गया है, इसका इंस्टीट्यूशनल करेक्शन कीजिए, इसके बिहेवियरल चेंज की बात कीजिए, इसको इक्विपेबल क्यों बनाइए, इसके पास जो भी साधन स्रोत नहीं हो दीजिए। मगर आज तक अगर आके देखा जाए तो उसके पास नहीं है, मोटरसाइकिल का हेलमेट लेके वो आंदोलन छेड़ के जाता है। नेपाल का पुलिस, नेपाल का सुरक्षा अधिकार, 8-8, 9-9 घंटा अगर ड्यूटी उसने लीगली है तो वो 18-18, 19-19 घंटा जो है ड्यूटी करता है, टायर का धुआं खाता है। तो ये है अवस्था, क्यों ड्यूटी नहीं चेंज कर सकते, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकते। वहां से उसकी मानसिकता जब चेंज होती है तो वो जाकर कहां पढ़ना चाहिए, मगर वो बात हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, वो राज्य के ऊपर बता रहे हैं। मगर आप लोग उसे शेयर इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षा कर्मियों में कुछ नहीं बोला, सुरक्षा कर्मी मारे गए कुछ नहीं बोला, वो दुखद है। आप पढ़िए उठा के पहले उस चीज को, हम लोगों ने क्या क्या है, छोटे से छोटा बच्चा भी उस आंदोलन का प्रभाव में पड़ा है, प्रहरी के नाजायज दबन के उसमें पड़ा है, नाजायज बल के उसमें बच्चे से बच्चा पड़ा है, उसका जवाब कौन देगा? आप दीजिए, आप राज्य सरकार है, आप जिम्मेवार हैं, आप दीजिए जवाब। हमारा काम है तो सबसे को बाहर ला देना और उजागर कर देना, और जो भी दोषी है उसको आप कार्रवाई कीजिए, सर्कमस्टांसेस एविडेंस को हमने जुटा दिए, बाकी इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है, नहीं कर सकते तो बताइए, वो भी हम करेंगे। तो ये है समस्या, तो समस्या से हम लोग इस तरह से बाहर ला देते हैं, अवस्था की जानकारी करा देते हैं, बाकी करना काम राज्य का है। यही है अभी तक की अवस्था। और फिर अंत में इस डैश में रहे अग्रज हॉल में उपस्थित सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ।